नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी, और हमारा दूसरा अध्याय है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने जो टॉपिक है वो है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, तो बात चल रही है यहाँ पर भारत की, और वनस्पति जात का मतलब होता है जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियाँ, और प्राणी जात का मतलब होता है जितने जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियाँ। तो पहला पॉइंट हमारे सामने है कि भारत में जैव विविधता अधिक है। तो आपको पता होगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं, कि किसी भी एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पशु होना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होना और उनकी भी अलग अलग प्रजातियाँ होना। ठीक है, एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ होना पशुओं की या पेड़ पौधों की, तो इसे क्या कहते हैं हम, जैव विविधता। तो भारत में बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं पेड़ों की भी, और जो जानवर हैं उनकी भी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए कहा गया है कि भारत में जैव विविधता अधिक है। दूसरा पॉइंट है कि भाई कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया है अभी तक कि भारत के अंदर 10% कुछ ऐसी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, ठीक है, वनस्पति जात है जो कि लुप्त होने के खतरे में है या लुप्त होने वाली है, और 20% ऐसी स्तनधारियों की प्रजाति है। स्तनधारी कौन से होते हैं, ऐसे पशु जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है, दूध मिलता है। तो 20% तो ऐसे पशु हैं, ठीक है, जो लुप्त होने के कगार पे हैं बिल्कुल और लुप्त होने वाले हैं, और 10% ऐसे पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जो कि लुप्त होने वाली हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, एशियाई चीता, ठीक है, यहाँ जो चीता होता है आप सब जानते होंगे चीता, ये भी लुप्त होने वाला है, और जो गुलाबी सिर वाली बतख है ये भी लुप्त होने वाली है, और जो पहाड़ी कोयल है ये भी लुप्त होने वाली है। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि वनस्पति जात क्या होता है और प्राणी जात क्या होता है, और भारत के अंदर क्या आंकड़े हैं इनके। अब आपके सामने मैं आपको बताता हूँ कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं इनकी प्रजातियों को कैसे बांटा गया है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इनका वर्गीकरण तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किसने किया है, ये किया है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ। ठीक है, तो ये एक संघ है जिसने जीव जंतुओं की प्रजातियों को और पेड़ पौधों की प्रजातियों को बांटा है, उनका वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सामान्य जातियां। सबसे पहले तो हम इन जातियों को बांटते हैं सामान्य जातियों में। तो सामान्य जातियां भाई ऐसी होती हैं जो जिनकी संख्या नॉर्मल है, ठीक है, ना तो ये ज़्यादा कम है, ना ये लुप्त होने वाली है, ना ये बहुत ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल संख्या में है। जैसे पशु, बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो नॉर्मल संख्या में हैं, पेड़ पौधे हैं, साल का पेड़, चीड़ का पेड़, तो ये आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाते होंगे, तो ये हैं हमारी सामान्य जातियाँ। दूसरा पॉइंट है संकटग्रस्त जातियाँ। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, इन पर संकट है, और संकट किस चीज़ का है, संकट है लुप्त होने का, ठीक है, लुप्त होने का खतरा है और ये जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, काला हिरण बहुत कम बचे हैं, मगरमच्छ इनकी संख्या भी बहुत कम है, जंगली गधा और शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, तो ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि लुप्त होने की बिल्कुल कगार पे हैं और बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, और अगर जिन वजह से ये ख़त्म हो रही हैं या जिन वजह से या जिन कारणों से इनकी संख्या में कमी आई है, अगर वो कारण जारी रहते हैं तो इनका जीवित रहना कठिन होगा। जैसे ये काला हिरण है, इसके कम होने का मेन कारण है इसका शिकार करना, अगर इसका शिकार जारी रहता है तो आने वाले समय में इसका जीवित रहना बिल्कुल कठिन होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य जातियाँ कैसी हैं और संकटग्रस्त जातियाँ कैसी हैं। आपके सामने ये फोटो है संकटग्रस्त जातियों का, ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, और ये तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, और शेर जैसी पूँछ वाला बंदर, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं और खतरे में हैं, इन्हें हम कहते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। तीसरा पॉइंट है सुभेद्य जातियाँ, ठीक है, तो भाई ये ऐसी जातियाँ हैं जिनकी संख्या डेली घट रही है, प्रतिदिन लगातार घटती जा रही है, और अगर जिन कारणों से इनकी संख्या घट रही है, जैसे मैंने आपको बताया था काले हिरण की संख्या घटने का कारण है उसका शिकार करना, वैसे ही मान लो आपके सामने ये उदाहरण है एशियाई हाथी का, ठीक है, तो इसकी संख्या घटने का मेन कारण है इसका शिकार किया जाता है, और जो हाथियों के दांत होते हैं इनका व्यापार किया जाता है, तो व्यापार के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए इनकी हत्या की जाती है, ठीक है, डेली,
और अगर ये कारण जारी रहे, इनके शिकार जारी रहे, तो एक दिन ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी, मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और एक दिन लुप्त हो जाएगी। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे नीली भेड़, इसकी संख्या भी बहुत कम है और अगर इसका भी इसी तरीके से शोषण होता रहा तो ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से हमारी डॉल्फिन, तो ये हमारे आते हैं सुभेद्य जातियों में, जिनकी संख्या डेली घट रही है और पूरी पृथ्वी पर ये बहुत कम बचे हैं। चौथा पॉइंट है दुर्लभ जातियाँ। ठीक है, दुर्लभ का मतलब होता है बहुत कम। ये ऐसी जातियाँ हैं जो बहुत कम बची हैं, जैसे चिड़िया। पहले के समय में चिड़िया बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल चिड़िया बहुत कम बची है। ठीक है, तो ये किस में आती है? दुर्लभ जातियों में। ठीक है, और धीरे धीरे चिड़िया जो है संकटग्रस्त जाति में आ सकती है या संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती है और एक दिन चिड़िया लुप्त हो सकती है। तो ऐसी जो जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, इसे हम कहते हैं दुर्लभ जातियाँ। पांचवा पॉइंट है स्थानिक जातियाँ। तो भाई ये ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील। तो आपके सामने ये फोटो है, ये है अंडमानी टील, और ये कहाँ पाई जाती है? सिर्फ अंडमान में। अंडमान निकोबार का नाम आपने सुना होगा, तो ये अंडमान में पाई जाती है अंडमानी टील। दूसरा है निकोबारी कबूतर, आपके सामने ये कबूतर का फोटो है, ये सिर्फ पाया जाता है निकोबार में। तीसरा फोटो है अंडमानी जंगली सुअर, ये सुअर का फोटो है और ये सिर्फ पाया जाता है अंडमान में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि दुर्लभ जातियाँ कौन सी हैं और स्थानिक जातियाँ कौन सी हैं। छठा पॉइंट आपके सामने है लुप्त जातियाँ। तो भाई ये ऐसी जातियाँ हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे एशियाई चीता। चीते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एशियाई चीता है, एशियाई चीता की जो प्रजाति है वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। और ये जो दूसरे नंबर पे फोटो है, ये है गुलाबी सिर वाली बतख, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बिल्कुल लुप्त हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि लुप्त जातियाँ कौन सी हैं। अब आपके सामने टॉपिक है वनों को नुकसान। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वनों को नुकसान किसने पहुँचाया है। तो हम सब जानते हैं कि हम लकड़ी के लिए, पत्तों के लिए, रबड़ के लिए, दवाइयों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए, भोजन के लिए, ईंधन और चारे के लिए वनों का इस्तेमाल करते हैं और वनों से प्राप्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वनों को हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे पता चलता है कि वनों को नुकसान किसने पहुंचाया है जंगलों को? वनों को नुकसान पहुंचाया है इंसान ने अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। दूसरा पॉइंट है औपनिवेशिक काल में जो अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारत के जंगलों का खूब इस्तेमाल किया, खूब शोषण किया संसाधनों का। मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी थी और भारत के संसाधनों का उन्होंने इस्तेमाल किया, और रेल लाइन बिछाने के लिए उन्होंने पेड़ों का इस्तेमाल किया, पेड़ काटे, और संसाधन इकट्ठा करने के लिए, ईंधन इकट्ठा करने के लिए वनों की कटाई की। तो इससे पता चलता है कि अंग्रेजों ने भी वनों को नुकसान पहुंचाया है। तीसरा पॉइंट है झूम खेती से भी वनों को नुकसान पहुंचा है। तो झूम खेती आपको पता होगा क्या होता है, कि एक जगह पर खेतों को जलाया जाता है, फिर दूसरी जगह पर जाया जाता है, फिर उस खेतों को जलाया जाता है, फिर तीसरी जगह पर जाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये खेतों को जलाते हैं या जंगलों को जलाते हैं तो इससे क्या होता है, उनको नुकसान पहुंचता है वनों को, इससे प्रदूषण भी होता है प्लस वनों को नुकसान भी पहुंचता है। चौथा पॉइंट है नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से वनों की कटाई। अगर बांधों का निर्माण करना होता है तो जगह की जरूरत होती है, और तब क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं और जंगलों का सफाया करते हैं। किस लिए? नदी घाटी परियोजनाओं के लिए, ठीक है, बांधों के निर्माण के लिए पेड़ों की सफाई की जाती है, तो इससे वनों को नुकसान पहुंचता है। आखिरी पॉइंट है खनन द्वारा वनों की बर्बादी। ठीक है, खनन का मतलब होता है खुदाई, और जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं, जंगलों का सफाया करते हैं, तो इससे भी वनों को नुकसान पहुंचता है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि वनों को नुकसान कैसे पहुंचता है और कौन पहुंचाता है। आपके सामने अगली हेडिंग है जैव विविधता कम करने वाले कारक। मैंने आपको बताया था जैव विविधता का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाना, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या चाहे वो जानवरों की हो, लेकिन इन सब प्रजातियों को कौन कम कर रहा है, इनके क्या कारक हैं? पहला कारक है शिकार। मैंने आपको बताया था काले हिरण का शिकार लगातार होता जाता है, जिस वजह से उनकी संख्या घटती जा रही है। ठीक है, तो पहला कारक होता है हमारा शिकार या जानवरों को मारना, इस वजह से उनकी संख्या कम हो रही है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण। तो जब हमारी वायु में जहरीली गैसें जाती हैं या पर्यावरण हमारा प्रदूषित रहता है, तो कुछ ऐसे नाजुक पक्षी होते हैं जो कि उसको सहन नहीं कर पाते
और वो मर जाते हैं। इससे क्या होता है, जैव विविधता कम होती है। तीसरा पॉइंट है जंगलों में आग लगना। अगर किसी भी चांस से अगर जंगलों में आग लगती है तो पहली बात तो भाई वहाँ पर वनों को उसको नुकसान पहुँचेगा, पेड़ों को, जितने पेड़ हैं वो सब जल के नष्ट हो जाएंगे और जितने वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान पहुँचेगा, आग की वजह से वो भी मर सकते हैं। तो चौथा कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई अगर हम अंधाधुंध करते हैं तो इससे भी जैव विविधता कम होती है और वनों की प्रजातियाँ भी कम होती चली जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता कम क्यों हो रही है भारत में। तो अगर ये जैव विविधता कम होती है या ये वनों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गरीबों पर। क्यों? क्योंकि गरीब जो हैं वो पशुओं को पालते हैं और पशुओं के लिए चारा, घर के लिए ईंधन, उन्हें सब मिलता है जंगलों से। और अगर जंगल ही नष्ट हो जाएंगे तो भाई उन्हें 10-10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चलकर जाना पड़ेगा जंगलों की तलाश में, और फिर उन्हें चराने पड़ेंगे अपने पशु और फिर मिलेगा उन्हें चारा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं गरीब लोग, क्योंकि उन्हें जंगलों से चारा मिलता है और जड़ी बूटियाँ वगैरह वो वहीं से एकत्रित करते हैं। तो अगली आपके सामने हेडिंग है वनों की कटाई के परिणाम। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, क्या उसका परिणाम होता है? तो जितने भी परिणाम है भाई वो सब है नकारात्मक। पहला है बाढ़। अगर हम पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, तो मान लो अगर किसी दिन बाढ़ आ जाती है तो अगर जंगल ही नहीं होंगे तो वो तो बिल्कुल मैदान बन जाएगा, सफाचट है ना, एकदम सफाया हो जाएगा, और जब पानी वहाँ से आसानी से आ सकेगा और बाढ़ पूरे क्षेत्र को डुबो देगा। अगर वहीं पर अगर जंगल होते तो पानी की जो स्पीड है वो थोड़ी कम होती। तो पहला जो इसका परिणाम है बाढ़। दूसरा है सूखा। जब जंगल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है गरीबों को नुकसान। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर जंगल नहीं होंगे तो गरीबों का कितना बड़ा नुकसान होता है। अगला पॉइंट है भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, कि भारत सरकार ने जंगलों को और जंगली जीवों को संरक्षित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए हैं, क्या क्या कानून बनाए हैं। तो पहला पॉइंट है वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। तो ये ऐसा कानून है जो 1972 में बनाया गया और इसमें कहा गया कि जो जंगली जीवों के आवास स्थान है, जो उनके रहने की जगह है, वो आरक्षित है, उस पर कोई कटाई नहीं कर सकते और वो सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो इस कानून में ये कहा गया। दूसरा पॉइंट है कि जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनका बचाव किया जाए और उनके शिकार पर रोक लगाई जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाथियों के दांत का व्यापार किया जाता है, ठीक है, तो जंगली जो जीव हैं उनका व्यापार पर रोक लगाई जाए। तो इस कानून में ये सब कहा गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अगला पॉइंट है कि सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हम कहते हैं, जहाँ सिर्फ जंगली जीव रहते हैं, और पशु विहार, ठीक है, ये नाम से आपको पता चल गया होगा कि जहाँ सिर्फ जंगली जीव रहते हैं या जो बिल्कुल कम संख्या में बचे हैं वो रहते हैं, इसके अलावा यहाँ पर ना तो कोई एंट्री कर सकता है और ना ही कोई यहाँ पर जाकर इनका शिकार कर सकता है। उसके बाद आपके सामने अगला पॉइंट है कि बाघ और एक सींग वाला गेंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ और भारतीय हाथी, ये कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको रक्षा प्रदान की गई है भारत सरकार द्वारा, और इनके शिकार पर भाई बहुत ज़्यादा रोक है और जुर्माना भी है और सज़ा भी है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि जो संरक्षण किया गया है, सिर्फ जानवरों का नहीं किया गया, बड़े बड़े छोटे से छोटे कीट का भी संरक्षण किया है हमारी भारतीय सरकार ने, जैसे तितली, इसका भी संरक्षण किया गया है, इसका बचाव किया गया है, ड्रैगन फ्लाई, इसकी भी पूरी सेफ्टी की गई है। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या भी कम हो सकती है, इसलिए सिर्फ बड़े जानवरों का बचाव नहीं किया गया है, छोटे से छोटे कीटों का भी बचाव किया गया है। अगली आपके सामने हेडिंग है कि जो हमारी सरकार है, भारतीय सरकार, और जो वन विभाग है, उन्होंने जंगलों को कितने भागों में बांटा है। तो पहला पॉइंट है आरक्षित वन। आरक्षित वन होते हैं रिजर्व जंगल, ठीक है, जहाँ पर कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ पर जंगली जीव रहेंगे और यहाँ पर शिकार करना बिल्कुल मना है और आम लोग तो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर नियंत्रण होता है सिर्फ वन विभाग का, और देश में जितने भी हमारे जंगल हैं उसमें से 50%, आधे से भी ज़्यादा आरक्षित हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जंगल कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश, MP में, पश्चिम बंगाल में, केरल में और महाराष्ट्र में। दूसरा पॉइंट है रक्षित वन। तो रक्षित वन ऐसे जंगल हैं जो कि आगे चलकर नष्ट ना हो या इन्हें नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए इनकी सुरक्षा की जाती है
और देश में जितने भी जंगल हैं उसमें से एक तिहाई हिस्सा रक्षित जंगलों का है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे जंगल हैं जो कि आगे जाकर नष्ट ना हो या आगे जाकर इनको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इनकी सुरक्षा की जाती है, इन जंगलों की। तो ये जंगल कहाँ पर है? ज़्यादातर हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल में। तीसरा पॉइंट है अवर्गीकृत वन। तो भाई ये ऐसे जंगल होते हैं जिन पर कोई भी आम आदमी जाकर रह सकता है या यहाँ जाके शिकार कर सकता है, लेकिन शिकार की मनाही होती है। पर जो ऐसे जंगल होते हैं इन पर कुछ व्यक्तियों का नियंत्रण होता है या कुछ समुदायों का नियंत्रण होता है। जैसे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारे भारत के पूर्वोत्तर में। तो जब पूर्वोत्तर साइड है नागालैंड, असम, मिजोरम, तो यहाँ पर जो जंगली इलाका है यहाँ पर वहाँ की जनजातियाँ जो होती हैं, आदिवासी होते हैं, वो रहते हैं और उनका इन पर नियंत्रण रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारी सरकार ने जंगलों को कितने भाग में बांटा है और ये जंगल कहाँ कहाँ पर है। आपके सामने आखिरी हेडिंग है जो कि है समुदाय और वन संरक्षण। मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार ने जीवों को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या क्या किया, लेकिन सरकारों के अलावा कुछ स्थानीय लोगों ने या स्थानीय समुदायों ने या गांव के लोगों ने भी कुछ इसमें योगदान दिया है। वो क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है जो सरिस्का बाघ रिजर्व है, ये एक जगह है जो कि बाघों के लिए रिजर्व की गई है राजस्थान के अंदर। तो जो राजस्थान के गांव के लोग हैं उन्होंने इस जगह के अंदर खुदाई करने पर या खनन कार्य करने पर बिल्कुल रोक लगा दी है और किसी को भी इसके अंदर घुसने नहीं देते, तो ये इन्होंने योगदान दिया है। दूसरा पॉइंट है अलवर के अंदर, जो राजस्थान में है, अलवर में 5 गांव ने मिलकर वहां पर जो जंगली भूमि है उसको भैरो देव डाकव सेंचुरी घोषित किया है, ठीक है, और अपने कानून बनाए हैं इस जंगल के लिए और यहाँ पर शिकार को बंद कराया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरा पॉइंट है चिपको आंदोलन। तो ये क्या है, उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों ने पेड़ कटाई का विरोध किया और पेड़ों से चिपक गए। उन्होंने कहा पेड़ को काटने से पहले हमें काटो, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है पेड़ों को बचाने के लिए। चौथा पॉइंट है बीज बचाओ आंदोलन। तो ये कहाँ पर हुआ, टिहरी में, और यहाँ पर क्या कहा गया कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो केमिकल जो उर्वरक डाले जाते हैं खेती में उसको बंद करो और जो हमारा नेचुरल तरीका है उससे खेती करो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी भारत सरकार के अलावा कुछ स्थानीय लोगों ने, गांव के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा अध्याय। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड डाउट हो उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।